तो गाइस ये यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे टोटली चार एप्लीकेशन है। एक है एक्सेल ऐप, वर्चुअल बैकअप, क्विक एडिट एंड मल्टीपल अकाउंट। तो सबसे पहले मल्टीपल अकाउंट पे आप लोगों को कैरम पूल, फेसबुक एंड वर्चुअल बैकअप को ऐड कर लेना है। एंड जो भी आईडी पे आप लोगों को फ्री में लेना है वो आईडी को फेसबुक पे पहले लॉगिन कर लेना है एंड उसके बाद कैरम पे लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये चार एप्लीकेशन जो आप लोगों को बताया उसमें से दो एप्लीकेशन का लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर ज्वाइन टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पर एक्सेल ऐप एंड वर्चुअल बैकअप ये दोनों एप्लीकेशन का लिंक मैंने वहाँ पर दे दूंगा, ऑलरेडी दे दिया हूँ, आप लोग चेक करिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैरम पूल को ऑन कर लिया हूँ एंड जी मैंने इस आईडी पे लूँगा फ्री में, तो इसीलिए इस आईडी पे मैंने लॉगिन कर लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपडेटिंग गेम दिखाएगा, उसके बाद ये ट्रीजर पैक शो करेगा, उसके बाद ही बाकी काम आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मैंने बैक कर लिया, तो इसके बाद आप लोगों को वर्चुअल बैकअप ओपन करना है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, अगर गलती से भी 10 सेकंड 20 सेकंड मिस कर दोगे तो हम लोगों को समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली आप लोग देखते रहो। तो यहाँ पर आप लोगों को बैकअप पे क्लिक कर लेना है, तो बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकअप एंड डेट दिखाएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को चले जाना है एक्सेल ऐप पर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप लोग धीरे से मतलब देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर ओके ओके मैं कर देता हूँ। इसके बाद जो थ्री डॉट दिख रहा है यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्चुअल बैकअप को सिलेक्ट करना है, तो वर्चुअल बैकअप सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कॉम डॉट मिनी क्लिप डॉट कैरम, इसके बाद फाइल्स पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंटेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आप लोगों को यूज़र डिफॉल्ट्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डाटा एक्सेस ट्रिगर काउंटर डॉट लिस्ट जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्लिक करना है। तो यही प्रोसेस आप लोगों को दोबारा मतलब फिर से दो बार करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। फिर से थ्री डॉट पे आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद अब जो प्रोसेस आप लोग किए हो मतलब मैं किया हूँ वही प्रोसेस मैं फिर से करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले वर्चुअल बैकअप को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर, देख सकते हो। उसके बाद कॉम डॉट मिनी क्लिप डॉट कैरम, उसके बाद फाइल्स एंड देन जो है कॉन्टेंट्स, यहाँ पर अच्छे से करना है आप लोगों को। देन डॉक्यूमेंट्स, यूज़र डिफॉल्ट्स एंड डाटा एक्सेस ट्रिगर काउंटर डॉट लिस्ट। एंड यहाँ पर जो सेव का बटन दिख रहा है ये सेव का बटन में क्लिक करना है। एंड आप लोगों को फिर से सेव एज पे ये काम फिर से करना है। तो टोटली आप लोगों को एक बार ओपन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद दो बार सेव एज पे ये काम आप लोगों को कर लेना है, टोटली थ्री टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने फिर से वही प्रोसेस कर रहा हूँ, यूज़र डिफॉल्ट्स एंड इसके बाद डाटा एक्सेस ट्रिगर काउंटर डॉट लिस्ट। तो मैंने सेव कर लिया हूँ और यहाँ पर येस पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा आधा काम हो चुका है। तो लोगों को अभी क्विक एडिट पे चले जाना है, ठीक है। तो क्विक एडिट पे जाने के बाद आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। वैसे ये प्रोसेस बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा लेट हो गया, मैं एक काम पे बिज़ी हो गया था। तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से जो प्रोसेस आप लोग किए थे एक्सेल ऐप पर, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर फिर से मैंने फाइल्स, उसके बाद कंटेंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड गाइस यूज़र डिफॉल्ट सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन ऊपर पे ये जो बटन दिख रहा है ये बटन पे आप लोग क्लिक कर दोगे तो सारा कुछ यहाँ पे नीचे पे आ जाएंगे। इसके बाद डाटा एक्सेस ट्रिगर काउंटर डॉट प्लीज पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोगों को 49 नंबर पर दिखेगा इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है सिलेक्ट करके इस लाइन को आप लोगों को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और पूरा लाइन को मैं यहाँ से जो है कॉपी करूँगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद ऊपर में जो थ्री डॉट दिख रहा है उस थ्री डॉट पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरा गलती हो गया था, मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करूँगा ऊपर में, देख सकते हो। तो सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद दो जगह पर आप लोगों को ये पेस्ट कर देना है जो कि आपने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और रिप्लेस विथ पे फिर से मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। एंड गाइज नीच पे जो है जीरो का जगह आप लोगों को वन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको काट करता हूँ जीरो को और यहाँ पर मैं वन लिख देता हूँ। उसके बाद रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, रिप्लेस ऑल। तो चलिए रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद जो है यहाँ पर नीच पे एक बटन देख सकते हो, उस पर मैंने क्लिक किया और ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो 90% काम हो चुका है। तो अभी आप लोगों को फिर से जो है मल्टीपल अकाउंट पे चले जाना है एंड वहाँ पर वर्चुअल बैकअप पे जाना है, ठीक है। तो मल्टीपल अकाउंट पे गया, उसके बाद वर्चुअल बैकअप देख सकते हो। धीरे धीरे आप लोग देखते रहो वीडियो को पूरा। एंड यहाँ पर आप लोगों को रेस्टोर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर कैरम को सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पर बैकअप एंडेड जैसे ही दिखाएगा, आप लोगों को यहाँ से बैक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैकअप एंडेड हो चुका है। तो यहाँ से बैक करके आप लोगों को कैरम में चले जाना है, और जो पहला जो अवतार था वो बिल्कुल आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे। एंड गाइस, दूसरा प्रोसेस जो मैं करूँगा ना, मतलब एक तो अवतार के लिए और एक इमोजी के लिए, लेकिन इमोजी के लिए इतना मेहनत का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक मिनट पे वो हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला धाप ही सबसे ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो अवतार क्राउन, तो ये बिल्कुल आप लोगों को फ्री में मिल चुका है। लेकिन ऊपर में जो देख सकते हो कॉइन्स एंड जेम्स जो कि ओन्ड दिख रहा है, वो फिलहाल में आप लोग नहीं पाए हो, वो ये इस मतलब जो प्रोसेस हमने किया, इस प्रोसेस के माध्यम से वो दिखा रहा है कि मैंने आईडी पे वो कॉइन्स एंड जेम्स पाया, लेकिन वो मतलब हमारा आईडी पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अवतार को फ्री में ले लिया। एंड इसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक से डेढ़ मिनट का काम है, जो कि आप लोगों को इमोजी अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ये सर्च बटन पर फिर से जाना है, एंड यहाँ पर जो कॉपी किए थे इसको फिर से यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है, पेस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर एक के जगह आप लोगों को दो लिखना है, ठीक है। दो लिखोगे और रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद नीचे पे सेव का बटन दिखेगा, तो सेव में क्लिक कर लेना है। एंड उसके बाद फिर से जो है आप लोगों को मल्टीपल अकाउंट पे चले जाना है, एंड वर्चुअल बैकअप पे जाना है, एंड फिर से रिस्टोर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये सेकेंड प्रोसेस बहुत ही छोटा है, फर्स्ट प्रोसेस बहुत ही लंबा है। तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है, एंड इसके बाद कैरम पे सिलेक्ट कर लेना है, एंड एंड जीरो जैसे ही दिखाएगा आप लोगों को यहाँ से बैक कर लेना है। तो बैकअप एंडेड हो चुका है। तो अभी जो है फिर से कैरम में जाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो इमोजी जो है बिल्कुल फ्री में पा चुका हूँ। तो गाइस, ये बहुत सारे यूट्यूबर शायद आप लोगों को बता रहा है कि आईडी बैन होने का चांस है, लेकिन गाइस आईडी बैन होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि इस तरीके से वैनिश इमोजी, डॉगो अवतार, स्प्रिंग लाइट अवतार, बहुत सारे चीज़ हम लोग फ्री में इसी तरीके से लिए थे, जो कि एक से डेढ़ साल हो गया, लेकिन हमारा आईडी पे कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप लोग चिंता मत लो, इसको बिल्कुल फ्री में आप लोग लो, नो टेंशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए वीडियो यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।